क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्थित नर्सिंग स्कूल का अपना भवन और हॉस्टल होगा। इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है। बाकायदा काम शुरू हो चुका है। पिछले करीब 5 साल बाद ये काम शुरू हुआ है। इसका लाभ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। बता दें कि नर्सिंग हॉस्टल का कार्य भी पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। वहीं भाजपा सरकार ने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये काम शुरू हुआ है, जिसका लाभ यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। उम्मीद है जल्द ही ये काम पूरा होगा। ये नर्सिंग स्कूल का जो निर्माण कार्य काफी सालों से लंबित चल रहा था, तो वर्तमान सरकार ने करोड़ों की धनराशि इसके भवन निर्माण के लिए प्रदान की और ये काफ़ी तीव्र गति से इसका कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही ये तैयार होकर हमारी कन्याओं के काम आएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।